हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग गाइस। तो आज फिर है हमारा एक इंटरव्यू जो कि है हमारे कॉलेज में ही। तो ये हमारा कैंपस प्लेसमेंट जो है होने वाला है आज। तो आज दो तीन कंपनी जो है हमारे कॉलेज में आने वाली है। तो चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कॉलेज में कैसे कंपनी आती है, कैसे इंटरव्यू वगैरह होता है, क्या सब होता है, सारा चीज़ बताऊँगा। और आज मैं थोड़ा लेट हो गया यार, कॉलेज जाने में भी थोड़ा सा लेट हूँ। चलो गाइस कॉलेज चल के मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग हैं सेमिनार हॉल में और यहीं पर होने वाला है अभी मीटिंग, ठीक है। क्या सब होता है, चलो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ का सीन दिखा देता हूँ। बच्चे धीरे धीरे आने लग रहे हैं। 10 बजे का टाइमिंग दिया था लेकिन अभी 11 बजे का टाइम कर दिया स्विच करके, ठीक है। तो गाइस चलो मैं दिखाता हूँ यहाँ का सीन थोड़ा आपको। तो यहाँ पे सारे बच्चे भी बैठे हुए हैं, मतलब अभी और भी बच्चे आने वाले हैं। 20 या 25 प्लस स्टूडेंट है और भी बाकी होंगे तो आएंगे, ठीक है। तो मुझे लगा था मैं ही इनफॉर्मल ड्रेस में हूँ लेकिन बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे तरह ही है इनफॉर्मल में। चलो कोई नहीं, अब देखते हैं अभी क्या क्या होता है। तो बने रहो वीडियो में, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे अभी क्या क्या होने वाला है। आंसू से मिलवाता हूँ, देखो आंसू अपना डोला सोला दिखा भाई। इस बंदे ने 35,000 का पैकेज ले लिया है अरे मंथली मतलब। और अभी गुड़गांव में बंदा जॉब कर रहा है और ये जो है मणिभूषण का जॉब लगवा रहा था ये देखो। तो भाई बता कुछ तो बोल भाई कुछ बोलो रोशन और रोशन इंटरव्यू देने के लिए आए आज, क्या लगता है मतलब इतनी बड़ी तो कंपनी नहीं थी, 15 लाख 2.45 के लिए कंपनी आ रही है। अरे तो मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा ना वहाँ पे, भाई 15 लाख का पैकेज गाइस। सुनो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, कितना मस्त गाना बजा के आया है वो लड़के ने। ये जो लड़के को देख रहे हो इसी ने बजाया ये गाना, देखो भोजपुरी सॉन्ग। तो गाइस अभी टाइम हो गया 11:30 और अब तक कोई नहीं आया है। हमें 10 बजे का टाइम दिया गया था और 11:30 हो गया है, अभी तक कोई आया नहीं है। देखते हैं अब कितना टाइम में लग और हमें यहाँ पे वेट करना पड़ता है। सही है यार इनका तो, मतलब बैठा के रखो सारे बच्चे वाला बैठे हुए गाना वाना बजा रहे, मौज ले रहे सब, देख लो बहुत स्थिति खराब है यार, क्या बताएं। चलो ठीक है, देखते हैं अब तक कब तक वेट करना पड़ता है हमें। इंटरव्यू चालू हो गया गाइस, देख लो। हाँ तो गाइस आज जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मतलब मैंने आपको दिखाया क्या क्या हुआ था वहाँ पे। बेसिकली क्या था कि भाई ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं, बस उन्होंने JD जो था उसको एक्सप्लेन किया जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में और ऐसे ही बस बातचीत कर रहे थे, ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ नहीं। बस जो टेक्निकल वाले बंदे थे उनको प्रोजेक्ट दिया गया है जो कि आज रात 10 बजे तक सबमिट करना है। जो भी बच्चे प्रोजेक्ट को सबमिट कर देंगे उनको जो है फिर आगे एक वर्चुअल इंटरव्यू होगा और उसके बाद PI राउंड के लिए उन्हें जाना पड़ेगा नोएडा में, ठीक है। तो ये जो कंपनी थी एक्सिको कंसल्टेंसी कंपनी थी जो कि नोएडा में है भाई, इस कंपनी में इन्होंने क्या क्या बताया मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जब हम लोग वहाँ पे गए, मैडम आई तो सबसे पहले उन्होंने ऐसे ही नॉर्मल पूछा, सबसे पहले उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हें जॉब चाहिए या हमारी ही कंपनी में जॉब चाहिए, ऐसा सबसे पूछा उन्होंने, ठीक है। तो जिसको जो भी हुआ उन्होंने बताया, जिसने कहा कि भाई हमें आपकी कंपनी में ही जॉब चाहिए तो उनसे रीजन पूछा गया कि भाई हमारी कंपनी में ही क्यों चाहिए, ठीक है। और जिन्होंने बोला कि नहीं हमें तो बस जॉब चाहिए भाई कहीं भी मिल जाए, ठीक है, तो उनसे कहा चलो ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि भाई तुम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो और मतलब क्या चीज है जो भाई जिससे तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, मतलब कि अगर हम तुम्हें जॉब ऑफर करते हैं तो उसके बाद कौन सी ऐसी कमी है जिससे तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे वो बताओ। तो सब बच्चों ने अपना अपना बताया, जो भी लगा कि भाई मुझे ये चीज में अगर कमी हुआ तो मैं जॉब नहीं करूंगा। किसी ने बताया कि भाई मेरा सैलरी इतना होना चाहिए, इससे कम हुआ तो मैं नहीं करूंगा। किसी ने बताया भाई मेरा टाइमिंग जो है 9 to 5 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं रुक सकता हूँ मैं। तो ऐसा था, सबने अपना अपना बताया, ठीक है। मैंने भी बताया मेरा था कि भाई अपना मुझे क्या है कि इन्वायरमेंट अच्छा चाहिए और बिहेवियर जो सीनियर का होता है
वो अच्छा हो, ठीक है। तो ऐसा मैंने बताया। उसके बाद जो है मैडम ने जॉब को एक्सप्लेन किया कि भाई हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तीन चीज उन्होंने बताया। पहला ये कि भाई उनका कहना था जॉब जो है 24 आवर का है भाई, 24x7 hours, मतलब कि वो लोग क्या करते हैं, ईआरपी को सेल करते हैं, ठीक है। तो ईआरपी सेल करने का मतलब हो गया कि उनका कहना था कि भाई कभी भी किसी भी वक्त अगर ईआरपी में कोई प्रॉब्लम आता है तो टेक्निकल वाले बंदे को हमेशा रेडी रहना होगा। वो कभी भी उनको बोल सकते हैं कि भाई आ जाओ ऑनलाइन फटाफट इसे ठीक करना है। दूसरा उन्होंने बोला भाई ऑल इंडिया में आपको कहीं पे भी भेजा जा सकता है कभी भी, तो उसके लिए आपको रेडी रहना होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई सैलरी भी जो है हम ज्यादा नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं, 17,500 रुपया उन्होंने बताया कि हम सैलरी देंगे। 3 to 3.5 LPA का बताया कि CTC है, 17,500-18,000 तक इन हैंड आएगा। लेकिन बाद में चल के जो हमारे प्लेसमेंट सेल के जो हेड सर थे उन्होंने बताया कि भाई ये ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हें डराने के लिए बोल रहे थे कि वो देखना चाहते थे बच्चों को कि कौन कैसा है, बस ऐसा बोला है। तो तुम्हें ये सोच करके पहले ही जॉब से नहीं छोड़ना चाहिए, तुम्हें इंटरव्यू वगैरह देना चाहिए, ठीक है। हमारे हाथ में एक एटलीस्ट ऑफर लेटर तो होना चाहिए कि हाँ इस कंपनी से तुम्हें बुलाया गया है। ये तो देखो जॉब करना ना करना तो बात की बात है। तो इतना तक तो जब तक वो सर ये बात बता रहे थे उससे पहले तो आधे से ज्यादा बच्चे बीच में ही छोड़ के चले गए कि भाई कौन करेगा 17,500 में 24x7 hours और इंडिया में कहीं पे भी भेज देंगे, ऐसा कुछ सोच करके। तो बहुत सारे बच्चे ने तो किया ही, वो पहले ही मतलब वो निकल गए कि भाई हमें नहीं करना ये, ठीक है। उसके बाद फिर जाकर के बताया गया कि भाई जो मतलब एक था सेल्समैन का था, दूसरा टेक्निकल ट्रेनी का, और एक था प्रोजेक्ट मैनेजर। तीन पोस्ट के लिए भर्ती था, ठीक है, जिसमें MBA BBA BCA BTEC वाले बच्चों थे। तो जो टेक्निकल वाले थे, जैसे कि हम लोग टेक्निकल वाले थे, तो उसमें हमारा क्या हुआ कि हमें कहा गया, हमें फिर ले गया लैब में ले गए करके गए, फिर एक एक्सेल सीट हमें प्रोवाइड करवाया गया और बताया गया कि भाई ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम तुम्हें बनाना है। पूरा उन्होंने डिटेल दे दिया, सब कुछ कर दिया, और अभी हम उसे 10 बजे रात तक या 11 बजे तक सबमिट कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा बोला 10-11 बजे तक तुम इसे गूगल लिंक दे दिए हमें, उन पे सबमिट करना है। मैं तुम्हें वो सीट भी दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है बनाने के लिए, ठीक है। एक बार चलो अभी मैं सिस्टम में जा करके तुम्हें वो चीज़ दिखाता हूँ कि क्या चीज़ था जो हमें कहा गया है बनाने के लिए। अभी तक तो मैंने उसे बनाया नहीं है, उसमें बैकएंड का काम करना है, फ्रंट एंड का काम करना है। उन्होंने बोला जो भी लैंग्वेज तुम्हें यूज करना है करो, जहां से भी जो भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको कहा भाई जैसे भी हो तुम बस बना करके इसे सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद तुम्हारा वर्चुअल इंटरव्यू होगा, उसमें तुम्हें इसे शोकेस करना होगा, मतलब दिखाना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारा PI राउंड होगा। तो जो प्लेसमेंट वाले सर थे हमारे, उन्होंने कहा अगर तुम ये जो है प्रोजेक्ट बना देते हो तो तुम समझो 90% तुम्हारा ये जो हो जाएगा सिक्योर, ठीक है। तो मैन यही है। तो ये सारा चीज था। अभी चलो मैं तुम्हें एक बार कि उन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट वगैरह दिया है बनाने के लिए। तो गाइस ये देख सकते हो, ये है इंस्ट्रक्शन, द चार्ट शो द ओवरऑल फॉलो एंड पेज स्क्रीन इन द एप्लीकेशन। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हमें बनाना था, ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। देख सकते हो कि मतलब वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। उसके बाद ये चार्ट है, ठीक है। लॉगिन स्क्रीन इनटू द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, दो टाइप का लॉगिन पेज होगा, यूजर और एडमिन का, ठीक है। कैटेगरी ऑफ बुक्स हो गए, और इसमें कैटेगरी ऑफ बुक्स के अंदर जैसे ही लॉगिन करते हैं तो हमें तीन चीज़ दिखाई देगा, एक मेंटेनेंस मेन्यू, रिपोर्ट मेन्यू और ट्रांजेक्शन का, ठीक है। जो मेंटेनेंस वाला पार्ट है ये सिर्फ एडमिन एक्सेस कर सकता है, और रिपोर्ट वाला यूजर एंड एडमिन दोनों, और ट्रांजेक्शन वाला भी यूजर एंड एडमिन दोनों कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम इसमें मेंटेनेंस वाले में जाते हैं तो मेंटेनेंस में ये सारा चीज़ जो है मतलब ऐड अपडेट मेंबरशिप, ऐड अपडेट बुक्स, ये सारा चीज़ जो है कर सकता है कौन, एडमिन, ऐड मेंबर, अपडेट मेंबरशिप, ऐड बुक मूवी, ऐड बुक्स मूवी, जो भी चीज़ें ये सारा चीज़ एडमिन कर सकता है, ये सारा होना चाहिए उसके अंदर। और जैसे ही हम रिपोर्ट मेन्यू में जाते हैं तो रिपोर्ट मेन्यू में ये सब होना चाहिए, एक्टिव इशू, मास्टर लिस्ट ऑफ मेंबरशिप, ये सारा चीज़ होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ट्रांजेक्शन में है, ट्रांजेक्शन में चेक बुक अवेलेबिलिटी, इशू अ बुक, रिटर्न अ बुक या फाइन पेमेंट, ये सब चीज़ होना चाहिए। जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो ये अगला टैब आता है, एडमिन लॉगिन। एडमिन लॉगिन कैसा होना चाहिए, तो देखो चार्ट होना चाहिए, ये चार्ट दे रखा है, ये बैक जाने का बटन होना चाहिए, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में यूजर आईडी और पासवर्ड। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो ये जैसा कि वहाँ पे था एक एडमिन होम पेज पे चले जाओ, क्योंकि एडमिन पे आपने लॉगिन किया है। अगर आप यूजर वाले पे जाके जैसे यूजर लॉगिन करते तो यूजर लॉगिन करने पे ये आता, यूजर लॉगिन करने पे रिपोर्ट एंड ट्रांजेक्शन आ रहा है ओनली, ठीक है। और जैसे ही मैं एडमिन लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास मेंटेनेंस, रिपोर्ट एंड ट्रांजेक्शन तीनों चीज़ आ रहा है।
उसके बाद ये कुछ कैटेगरी है बुक का कैटेगरी, साइंस, इकोनॉमिक्स, जो भी चीज़ होता है ये कैटेगरी बुक्स के है, ठीक है। अब जैसे यहाँ से मैं मेंटेनेंस पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेंटेनेंस में क्या क्या कर सकता है एडमिन, ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, ठीक है, मेंबरशिप को, मूवी और बुक्स को ऐड अपडेट कर सकता है, यूजर मैनेजमेंट को ऐड अपडेट कर सकता है, ठीक है। इसमें से अब मान लो किसी को ऐड करना है तो ऐड पे क्लिक किए तो किस तरीके से ऐड करेगा, मेंबरशिप, ऐड, ऐड मेंबरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें ये डालना है, बता रखा है कि एक टेक्स्ट बॉक्स बनाओ, फर्स्ट नेम का मतलब फॉर्म है, बेसिकली एक फॉर्म बनाना है, लास्ट नेम का इनपुट टाइप इनपुट होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर का इनपुट होना चाहिए, टैक्स बुक, टैक्स बुक, टैक्स बुक, उसके बाद स्टार्ट डेट के लिए कैलेंडर ऐड कर दो, इंड के लिए डेट के लिए कैलेंडर, फिर मेंबरशिप, रेडियो बटन, सिक्स मंथ, वन ईयर या टू ईयर, कितने टाइम के लिए चाहिए, मतलब बेसिकली एक ये फॉर्म है, ठीक है। फॉर्म डालने के बाद जैसे ही फॉर्म को कन्फर्म करोगे तो वो बंदा यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट मतलब एक तरीके से जो भी सॉफ्टवेयर में काम होगा वो यहाँ पर एक्सेल में उन्होंने बाकायदा करके सारा चीज़ डाल रखा है और बस हमें इस तरीके का बनाना है, ठीक है। देख रहे हो सारा चीज़ है इसमें, अगर ये आपको समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा। और जैसे ये यूजर लॉगिन पे हम करते हैं तो यूजर लॉगिन में हमारे पास दो चीज़ आता है, रिपोर्ट करने का और ट्रांजैक्शन करने का। अगर मैं रिपोर्ट में क्लिक करता हूँ तो ये देखो रिपोर्ट वाला सेक्शन खुल के आ गया और इसमें जो भी चीज़ें, मास्टर लिस्ट ऑफ बुक में जाना है तो इस पर क्लिक करूँगा, ये मास्टर लिस्ट ऑफ बुक में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर सारा चीज़ आ रहा है, देख सकते हो, है ना। तो मास्टर लिस्ट ऑफ मेंबरशिप में अगर मैं जाता हूँ तो ये मेंबरशिप वाले में आ गया, ठीक है। तो इन्होंने पूरा बाकायदा इसमें बना रखा है, बस हमें इस तरीके का ही एक सॉफ्टवेयर तैयार करके उन्हें देना है। आज रात हमें 10 मैक्सिमम 11 बजे तक इसे कंप्लीट करके देना है, ठीक है। तो गाइस देखा आपने कि क्या क्या चीज़ था, ठीक है, ये चीज़ हमें बना करके अभी देना है उन्हें, ठीक है। उसके बाद फिर वो देखेंगे, शोकेस होगा, उसके बाद फिर एक वर्चुअल इंटरव्यू, फिर PI राउंड होगा जो कि नोएडा जा करके देना होगा हमें। और इसका जो सैलरी है मात्र 17,500 रुपए सैलरी वो दे रहे हैं, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा या कम हो जाए लेकिन यही रहने वाला है। वर्किंग पूरा 24/7, आप कभी भी वो बोल सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ गया इसे ठीक करो, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि भाई 9 to 5 का ही जॉब है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ था और अभी इसे बना करके मुझे देना है, चलो देखते हैं कि बना पाता हूँ कि नहीं मैं इसे, लेकिन बना लूँगा, ऐसा तो है कि हो जाएगा यार, फ्रंट एंड तो कंप्लीट हो ही जाएगा, बैक एंड के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे बस, ठीक है। तो यही था आज का इंटरव्यू और ये था कैंपस प्लेसमेंट की, कंपनी हमारे कैंपस में आई हुई थी और मतलब ज़्यादा कुछ यार ऐसा हुआ नहीं, खास मुझे लगा नहीं कुछ भी, बस नॉर्मल ही सब कुछ था, ठीक है। और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में।